थी, हमारा जो विधायक दल है उसकी बैठक थी, और इस बार हमने ये विधायक दल, ये जो कार्यालय है विधायक दल कार्यालय, इसी के अंदर रखी गई है, क्योंकि विधायक दल की कार्यालय सामान्यतः मेरे आवास पर ही होती थी, तो इस बार सब लोग उनका वहाँ करेंगे, मेरे को बहुत अच्छा है। और आज मुख्य रूप से जो विषय वर्तमान में चल रहे हैं, जिनके बारे में थोड़ी चर्चा करने के बाद फील्ड के अंदर क्या क्या चल रहा है उसकी जानकारी लेनी पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए अभी CET टेस्ट हुआ है, उसके बारे में मैंने बताया है। उदाहरण के लिए जैसे कुछ समस्याएं धरने पर नहीं चल रहे हैं, जैसे खास करके MBBS का जो एक विषय है उसको हमने क्लियर किया है कि क्या उसके पीछे की भावना और क्या कुल मिलाकर के वो उसका बाउंड है, उस बाउंड के पीछे की थ्योरी क्या है। फिर कुछ सड़कों के विवाद, जैसे जगह जगह पर 2-3 जगह धरने आए हैं नेशनल हाईवे के अप्रोच को लेकर, एक जींद में चल रहा है, एक इसी प्रकार का हथीन में है, तो ऐसे अप्रोच वो भी हमने नितिन गडकरी जी से बात की हुई है, इनकी सारी चीज़ें लेकर के उन तक पहुँचाएँगे ताकि अप्रोच जो है नेशनल हाईवेज के ऊपर ये बन जाए। आयुष्मान भारत का बड़ा प्रोजेक्ट होम लेने जा रहे हैं, 21 तारीख को उसका प्रारंभ कर रहे हैं, कि अभी तक 1,20,000 रुपये की जिनकी इनकम थी केंद्र सरकार की ओर से, उन्हीं को आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है सारे देशभर में जैसा है। हमने उसमें अपनी ओर से इस राशि को 1,80,000 रुपये करवाया है, जो हमारा परिवार पहचान पत्र के हिसाब से BPL की लिमिट है। इसके अंदर और एक लगभग 12 लाख परिवार और जुड़े हैं, इन सब परिवारों का जो खर्च है वो हरियाणा सरकार देगी। केंद्र सरकार की ओर से जो पहले 15 लाख 15.5 लाख की लिमिट है वो रहेगी, अब 27 लाख परिवार ऐसे हो जाएंगे जिनको ये लाभ मिलेगा, और इसकी शुरुआत हम करेंगे 21 नवंबर को। साथ ही एक नागरिक जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण में जो मेडिकल टेस्ट है सबके, उस प्रकार की योजना भी 29 नवंबर से शुरू कर रहे हैं, कि हर किसी नागरिक के जो स्वास्थ्य की जांच के प्रारंभिक टेस्ट होते हैं वो सब किए जाएंगे, और उनको एक डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा, ताकि कहीं भी शारीरिक दृष्टि से उसका कोई डॉक्टर है या कहीं उसका चेकअप होना या उसको कोई इलाज के लेके जाना, उसको वो देख सके। वर्ष में एक बार सबका ये टेस्ट हुआ करेगा। अभी वो भी हमने BPL के लोगों का रखा है, दूसरे चरण में सभी विद्यार्थी जो बाकी बच जाएंगे उनका भी कराएंगे, तीसरे चरण में बाकी जो नागरिक हैं उनका भी सबका कराएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि 100% आबादी यानी उसका ये टेस्ट जो है ये एक बार हो। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या लगेगा उसका हेल्थ डिपार्टमेंट बैठ के विचार कर रहा है, और प्रारंभ इसका अपने जो राष्ट्रपति महोदया हैं 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र में इसका प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार की कुछ योजना ये सारी हैं जिसके लिए करता है। ये जो अभी हमने इसमें जो रखा है 1,80,000 से निचले वाले परिवार सारे उनका स्वास्थ्य सुरक्षा होता, तो ये जो 3 चरण बताया ना, फिर स्टूडेंट्स का और बाद में, ये क्या इसी साल में या अगले 2-3 साल प्रारंभ हो जाएगा? फिर हमारी जितनी भी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसके हिसाब से लगातार चलेगा। पहले तो जहाँ जहाँ केंद्र हेल्थ सेंटर्स हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, फिर CHCs हैं, PHCs हैं, डिस्पेंसरीज हैं, सबके साथ गांव लगे हुए हैं, वहाँ प्रचार किया जाएगा, लोग अपने आप आकर के अपना टेस्ट कराएं। फिर एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद हमारे पास जो व्हीकल्स हैं, उन व्हीकल्स के माध्यम से जो लोग रह जाएंगे, क्योंकि डिजिटली ये सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा, जो परिवार में व्यक्ति रह गए उन व्यक्तियों का उनके घर पर जा करके भी उनका टेस्ट लेंगे, या सैंपल, मानो ब्लड सैंपल से ही काम चलता तो ब्लड सैंपल लेकर के आके उसका एनालिसिस किया जाएगा, उसमें टेस्ट किया जाएगा। सर, जो MBBS के छात्रों के लिए आपने बात बताई है, जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं बॉन्ड को लेकर के, आपने यहाँ भी चर्चा की है, अनौपचारिक कैबिनेट में भी हुई थी, असलियत में क्या सरकार सोच रही है इसमें निवारण को लेकर के, और किस तरीके की मांग है? बिल्कुल साफ है, इसमें किसी तो विद्यार्थी को कोई पैसा नहीं देना, किसी उनके माँ बाप को, परिवार को नहीं देना, किसी गरीब व्यक्ति को नहीं देना, किसी सरकारी सरकार में जब तक नौकरी वो कर रहे हैं तब तक उनको नहीं देना। केवल वो प्राइवेट नौकरी में, यदि सरकारी नौकरी की बजाय वो जाते हैं, और प्राइवेट नौकरी भी जिसमें सरकारी नौकरी से जो उसको पैसा मिलता है उससे ज़्यादा उनको मिलता है, उस केस में मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। प्रारंभ में चले जाएंगे तो 7 साल, बीच में चले जाएंगे तो 7 साल में बचा हुआ जो पीरियड है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों का जो फीस का ये पैसा जो बॉन्ड भरवाया जाएगा ये सरकार पे करेगी, सरकार भी बैंक से चाहेगी तो उनका लेगी। अगर मानो वो सरकारी नौकरी करते रहते हैं तो केवल बॉन्ड रखा हुआ है, उसका उपयोग भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम उपयोग करते हैं तो जब तक वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं तब तक सरकार उसकी पेमेंट करेगी, और जिस दिन वो छोड़ के प्राइवेट नौकरी में जाएंगे उस दिन उसकी किस्त उसको देनी है।
परिवार को नहीं देनी, किसी गरीब को नहीं देनी। और जब डॉक्टर कोई अच्छी प्राइवेट सैलरी में जाता तो सरकार से लगभग डबल पर जाता, तो उस नाते से हम ये चाहते हैं कि ये लोग सेवा करने के भाव से सरकार की नौकरी 7 साल करें, उसके बाद कहीं जाएं। सेवा भाव, ये सरकार जैसे वेलफेयर की स्कीम चलाती है वैसा डॉक्टर भी रहना चाहिए कि 7 साल वो नौकरी सरकारी करें। 7 साल के बाद सर कुछ नहीं देना होगा, मतलब अगर 7 साल सरकार के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करता तो कुछ नहीं देना पड़ेगा? कुछ इस अवधि को सर कम करने को लेकर के कोई विचार है कि कम किया 4 साल करें या 3 साल? देखिए, जितना कम करेंगे उतना उसकी किस्त बढ़ जाएगी। 7 साल एक से रखा है कि वो इतनी नॉमिनल किस्त उनको बने जिसको वो आसानी से दे सके। अगर कोई एक साथ पैसे जमा करा के जाना चाहता है तो पहले से नहीं जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो विधायकों को बेंच से भी लेने की जरूरत नहीं। विधायकों ने कहा क्या, विधायक करेंगे क्या? कुछ नहीं, केवल जानकारी। सर छात्रों का ये मन, आखिर हमारे सारे लोगों को अपडेट भी होना चाहिए, जानकारियां रहनी चाहिए ताकि फील्ड में जाने के बाद कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सब कुछ सर इसमें कोई रियायत? क्योंकि छात्रों का ये मानना है कि कर्ज लेकर के MBBS का कोर्स अपने आप में ही बहुत महंगा होता है। हमने कर्ज नहीं लेना, नहीं जो वो पढ़ाई कर रहे होते हैं सर कोई कर्ज नहीं लेना उन्होंने। आज को अगर वो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए देना पड़ता है। सरकारी स्कूल में जो फीस पहले से चल रही है वही देनी है, किसी को कर्ज नहीं लेना। और वो भी कर्ज भी अगर उठाएगी तो उनके नाम से सरकार उठाएगी, अगर उठाना है तो उनको पे नहीं करना है, पे सरकार करती रहेगी जब तक सरकार की नौकरी वो करेंगे। और जिस दिन वो छोड़ के जाएंगे उस दिन वो विद्यार्थी नहीं होंगे, उस दिन वो MBBS नहीं कर रहे होंगे, उस दिन वो अच्छे भले खासी तनख्वाह लेने वाले डॉक्टर हो चुके होंगे। कर्ज दिलाने में भी सरकार जो है मदद करेगी सर? वो तो आज बॉन्ड होगा तो उस बॉन्ड को एनकैश करना कि नहीं करना ये सरकार उनकी नौकरी या उनकी जब MBBS पूरी हो जाएगी उसके बाद निर्णय करेंगे। अगर लगता है सरकारी नौकरी आदमी कर रहा है तो कोई सरकार को लेने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, हमें अगर फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज भी उसमें 16-17-18 हो जाएंगे और हर मेडिकल कॉलेज का 300 करोड़ से 400 करोड़ रुपये का साल का खर्च होता है, तो ये खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पहले से कार्यक्रम आया हुआ है कि इस प्रकार के प्रोफेशनल जितने भी संस्थान हैं उनको कैसे हम सेल्फ फाइनेंसिंग की ओर लेकर के जाएं, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति को शिक्षा, अच्छी शिक्षा, हर व्यक्ति का इलाज, अच्छा इलाज, ये कैसे हो, उसमें जिन लोगों से कंट्रीब्यूशन ली जा सकती है उनसे लेनी चाहिए, जिनको नहीं ली जा सकती नहीं लेनी चाहिए। हमारी वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर ऑफ द नीडी पर्सन। अब हर किसी का वेलफेयर सोचना ठीक नहीं, ये सब समझ क्यों नहीं पा रहे, मतलब ये चीज जो है वो तो उकसा रहे कुछ लोग। उकसा वो तो आप लोगों को जो दी गई थी भैया, नहीं वो तो जो आप लोगों को एक जानकारी के लिए सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो उनको भी बता रहे, जैसे आपको दिए ऐसे उनको दिए, ये तो हर किसी को जो चाहता सबको। विधायकों का सर फीडबैक, इस सर विधायकों का फीडबैक क्या है, लोगों में क्या सरकार को लेकर किस तरीके की रिएक्शन है? मतलब एकदम बढ़िया है। इंडिविजुअल समस्याएं अपने अपने इलाके की होती हैं, वो सब उठाते ही हैं, उठानी भी चाहिए, तभी हमें पता लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जनता में सरकार के बारे में एक अच्छा जो छवि है, और वो तो जो उसको टेस्ट बोलते हैं, क्या कौन सा टेस्ट, लिटमस टेस्ट, वो कर ही लिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।